प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ पढ़ेंगे, काश मैं मोटरसाइकिल होता। इस भाग 2 में हम आगे पढ़ते हैं। लेखक कहता है कि इसके बाद मेरे और भारत जी के रिश्ते साफ हो गए। उन्होंने मेरे जिस्म में कुछ खपच्चियां बंधवाई। मैं रोज उनके प्याले साफ करने लगा और चाय बनाने लगा। इस तरह भारत जी की सेवा और मोटरसाइकिल का इंतजार करते हुए 1.5 महीना बीत गया। तब एक दिन इलाहाबाद का बीमा अफसर मेरी मोटरसाइकिल के साथ प्रकट हुआ। गाड़ी का कायाकल्प हो चुका था, वह नई गाड़ी से भी ज़्यादा नई लगती थी। मेरे सामने चमचमाती हुई मोटरसाइकिल थी। मुट्ठी में कड़कड़ाते नोटों का एहसास था, उससे मेरे कंधे का दर्द जाता रहा। हाथ की हड्डी 1 मिनट में जुड़ गई, टांग की घिस्टन गायब हो गई। भारत जी ने मेरा कंधा थपथपाया। बीमा अफसर ने एक भाषण दिया। उसने कहा, जब तक मैं इलाहाबाद में हूँ, आप प्रतापगढ़ के चक्कर में मत पड़िए। अगली बार दुर्घटना हो तो आप इलाहाबाद जिले में ही गिरिएगा। प्रतापगढ़ वालों का कोई भरोसा नहीं, इलाहाबाद में हम सब ठीक कर देंगे। आपकी मोटरसाइकिल के चाहे 100 टुकड़े हो जाएं, मैं इसका फिर से कायाकल्प करा दूंगा। और आप अपनी फिक्र तो करें ही नहीं, आपकी सारी दिक्कतें जीवन बीमा वाले सुलझा देंगे। आपको हमारी टेरिटरी में कभी कोई परेशानी ना होगी। एक्सीडेंट में आप मर भी जाएं तब भी कोई बात नहीं। यकीन माने, आपके मर जाने पर हम बीमा वाले आपको, यानी आपके घर वालों को माला माल कर देंगे। लेखक अंत में कहता है कि मैंने सोचा, मुझसे अच्छी किस्मत तो मेरी मोटरसाइकिल की है, जिसकी दोबारा से कायाकल्प हो गया। धन्यवाद।